हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। टेंशन मतलब लॉज ऑफ मोशन भी कंटिन्यू रहेगा, बट मैंने सोचा कि अगर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो थोड़ी सी अच्छी बात होगी, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन और केमिकल बॉन्डिंग दोनों ही चैप्टर बहुत बड़े हैं। केमिकल बॉन्डिंग को तो 10-11 वीडियो लग ही जाएंगे ख़त्म होने में, और लॉज ऑफ मोशन को तो 20 वीडियो लगने ही वाले हैं। तो दोनों चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे, कोशिश करेंगे यही मंथ में हम इनको कंप्लीट कर दें, ताकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले जाए। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन आपका खत्म होता है जब फिजिक्स में, तो समझ लो आपका 50% सिलेबस खत्म हो गया है। क्योंकि उसके आगे मतलब कुछ चैप्टर तो ऐसे वन शॉट में किए जा सकते हैं, जैसे आपका आखिरी चैप्टर फिजिक्स का सेमीकंडक्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये सारे चैप्टर ना वन शॉट में किए जा सकते हैं। खैर मैं 2-3 वीडियो लगाऊंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, बट सेमीकंडक्टर वगैरह मैं वन शॉट में खत्म करूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 11वीं का बहुत ईजी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी ईजी है, तो ये सारे लेक्चर्स को मैं 3-4 वीडियोज में खत्म कर दूंगा। तो मतलब लॉज ऑफ मोशन खत्म होते ही समझ लेना 50% फिजिक्स खत्म हो गई, बट केमिस्ट्री अभी भी 25% ही होगी केमिकल बॉन्डिंग के बाद भी। तो केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 सवाल आ ही जाते हैं जेई में, और नीट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को चैप्टर थोड़ा सा भारी जा सकता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। जब आप पढ़ेंगे तब आप इसकी खासियत को जानेंगे कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। इसके कई वीडियोज़ आपके दिमाग के ऊपर से जाएंगे, आपका मन करेगा बुक फेंक दो, पेन फेंक दो, मोबाइल फेंक दो, बहुत पढ़ लिया आपका मन करेगा, बट आपको पढ़ाई करती रहनी होगी, क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक आएंगे जो आपका सर खाएंगे, ठीक है। तो मैं तो रहूँगा अभी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट कराने की कोशिश करूँगा, थोड़ा आसान शब्दों में बताऊँगा, बट फिर भी हो सकता है कि आपको ऐसा थोड़ा सा भारी जाए। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों के कॉलेज में 6 PPT में ख़त्म कर दिया गया था, मात्र 6 पेजेस में, ठीक है, और हम लोग तो इसको 6 वीडियो में भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो छोड़ो फालतू बातें वो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले जानेंगे केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है, कितने टाइप का होता है। टाइप तो बहुत सारे हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कई सारे टाइप है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है ना, वो चैप्टर थोड़ा सा आना चाहिए था, बट हम लोग टेक्स्ट बुक के फ्लो के साथ जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों का वो चैप्टर अभी हुआ नहीं है, बट फिर भी उसका बेसिक मैं बता दूंगा आपको जब भी वो टॉपिक आएगा तो, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉर्न-हेबर साइकिल, जहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कितना हीट जनरेट होती है, कितना हीट मतलब चेंज आता है हीट में जब हम लोग कोई भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे सॉल्ट बना रहे सोडियम क्लोरीन का, तो वहाँ पे कितना चेंज आता है हीट में, वो सब हम लोग जानेंगे। और साथ ही में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आयोनिक कैरेक्टर के बारे में, कि किस चीज़ के अंदर, किस कंपाउंड के अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है या फिर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर खैर हम लोग फजांस रोल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। शुरू करो चैप्टर को, चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग नाम है तो केमिकल बॉन्ड के टाइप से ही हम लोग शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है, अगर आप छोटे बच्चे होंगे तो आप बोलेंगे एक कोवेलेंट बॉन्ड, एक आयोनिक बॉन्ड। नहीं, एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर। तो ये चैप्टर में कई सारी थ्योरीज भी रहेंगी आपको। तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वो 200 से 400 किलो जूल अगर एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे तब जाके वो ब्रेक होता है। हालांकि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस केमिकल बॉन्ड होता है वो 2 से 40 किलो जूल में ब्रेक हो जाता है, काफ़ी वीक बॉन्ड होता है ये। तो ये दो टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक इंटर एटॉमिक मतलब एटम के बीच वाले, और दो एक इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर, और एटम के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इंटर एटॉमिक। अब आप बोलोगे एटम क्या, मॉलिक्यूल क्या। एटम कोई भी एक छोटा सा इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो दो एटम से मिलके बनता है, इतना आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो इतनी बातें जानने के बाद हम देख लेते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है आयोनिक बॉन्ड, ये तो आप लोग जानते हो, सीधा सीधा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, उससे ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। खैर इसी अभी हम लोग ये सब नहीं जानेंगे, अभी इनको डीप में पढ़ना है। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, आपकी आधे से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड पर चलती है, चाहे आप GOC पढ़ो, चाहे आप हाइड्रोकार्बन पढ़ो, हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा आपको सताएगा, आयोनिक बॉन्ड वगैरह दिखेंगे भी नहीं ज़्यादा। तीसरा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा आता है मेटेलिक बॉन्ड। फिलहाल हमको कोऑर्डिनेट मेटेलिक के बारे में ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आज के लेक्चर हम लोग आयोनिक बॉन्ड को पूरा डिवोट करेंगे, और फिर अगले लेक्चर से हम लोग पूरा
केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड पे चलाएंगे। बिकॉज आयोनिक बॉन्ड तो ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ सीधा सीधा, एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव आया, कंपाउंड बन गया। बट जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। शेयरिंग तो होती है बट वो शेयरिंग किस किस तरीके से होती है, कैसे होती है, कौन से ऑर्बिटल से होती है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा केस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कई सारे लोग अपनी अपनी थियोरीज देते हैं, ठीक है। तो सबसे ओल्ड जो थियोरी थी वो हमारे लेविस की थी, लेविस थियोरी। तो वो थियोरी सबसे पुरानी थी और उसको अभी हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होती है, सबसे पहला वंडरवॉल फोर्स, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स बताऊंगा मैं, ये लास्ट में आएगा। सबसे पहले हम लोग इंटर एटॉमिक में आयोनिक कोवेलेंट और इनके बारे में थोड़ा बोला, ठीक है, थोड़ा बहुत जानेंगे, ज़्यादा नहीं, और इतना ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दो हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है इंटरमोलिक्यूलर और एक हो सकता है इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपका माइंड मैप है ये चैप्टर का, इतनी सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आयोनिक बॉन्ड से और इनके बारे में डेफिनेशन वगैरह जानते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहला आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड का वही घिसा पीटा डेफिनेशन बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है एक पे नेगेटिव हो जाता है। बड़े हो गए हम लोग, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था, बट अभी हम लोग इसका एक्चुअल मीनिंग जानेंगे। एक्चुअली में क्या होता है पता है, ये बॉन्ड ही नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ बॉन्ड, ये बॉन्ड होता ही नहीं है। अच्छा बॉन्ड होता है ये पता है क्या, बॉन्ड क्या होता है पता है, बॉन्ड मतलब तुमको पता नहीं होगा 100% गारंटी है, बॉन्ड मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मतलब होता है बॉन्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कितना फोर्स से अट्रैक्ट करते हो दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बॉन्ड होता ही नहीं है, इवेंचुअली इट इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा Na है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे हमारा Cl है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो इन दोनों के पास में आने के बाद क्या होता है कि इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है कि ये ज्वाइन हो जाते हैं एकदम, जैसे दो मैग्नेट, आप दो मैग्नेट को जोड़ दो, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल पाओगे कि इनके बीच में आप बॉन्ड बन गए, उनको तोड़ सकते हो, वहाँ पे बॉन्ड बना नहीं है, वो बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जॉइंड है एक दूसरे से, जैसे ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म वो गायब हो जाएंगे। तो वैसे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है उसके वजह से बनता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, बस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मोह माया है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल से, टेक्स प्लेस इन दिस बॉन्ड, ठीक है। सेकंड आता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड का आपका जो घिसा पीटा डेफिनेशन है वो भी चलेगा। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड आता है हम लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, देखो जब दो एटम्स यहाँ पे जॉइंट रहते हैं ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, बट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, दोनों में से कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, कोई एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। कोवेलेंट में क्या होता था, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन, बट इसमें कोई एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, तो यहाँ पे बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथा आता है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। व्हाट इज मेटेलिक बॉन्ड, ये होता है बॉन्ड बिटवीन मेटल्स, मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। काफ़ी इजी इजी डेफिनेशन आपको बताएं एकदम आसान आसान शब्दों में, आई होप समझ में आए होंगे। इसके एग्जांपल ले सकते हो आप लोग कॉपर वगैरह, ठीक है, वो सारे मेटेलिक बॉन्ड के एग्जांपल हैं। मेटल मेटल से जब बॉन्ड बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो अभी हमें डिस्कशन करना है कि आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, ज़रूरत क्या है केमिकल बॉन्ड बनने की। अरे तुम सोडियम हो मैं क्लोरीन हो स्टेबल तो है हम लोग, क्या ज़रूरत है ना, बीच बीच में मैंने आंसर बोल दिया, मतलब तुम सोडियम हो मैं क्लोरीन हूँ क्या ज़रूरत है हमें बॉन्ड बनने की, ऐसे भी तो रह सकते हैं हम लोग ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली है,
उल्टा अलग अलग है वही ज़्यादा बेटर है ना। तो देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ती है। चलिए तो हम लोग अब जानते हैं क्या ज़रूरत होती है केमिकल बॉन्डिंग की, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ, मतलब ज़रूरत क्या पड़ती है, क्या कारण है जो आप बॉन्डिंग बनाते हो, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ केमिकल रॉन्ग मार्कर स्पॉटेड। ओके, तो पहले लोगों का कहना था कि केमिकल बॉन्डिंग, देखो मैं बताता हूँ क्यों होता है, दी ओल्ड थियरी, और ये ओल्ड थियरी लेविस की थी, उनका कहना था कि टू अचीव ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बोले तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन बोले तो वैलेंस शेल फुल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, ठीक है, वैलेंस शेल में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो पहले ये लोगों का मानना था कि जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो इसलिए बनता है ताकि जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी इलेक्ट्रॉन में, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुल हो जाए, ठीक है, नोबल गैसेस की तरह। नोबल गैसेस बोले तो हीलियम, नियन, ऑर्गन, ठीक है, ज़ेनन, क्रिप्टन, बहुत सारे, तो इनकी तरह वो कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या होगा फिर, वही बहुत ही घिसा पिटा एग्जांपल है, सोडियम के पास 11, क्लोरीन के पास 17, ये एक दे देगा तो ये हो गया 18, ये हो गया 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो 2-8, ऐसा बोलोगे हैं। अभी पिछले चैप्टर में सिखाया मैं कि अब वो बच्चे करेंगे, अब ये कौन करेगा, अभी हम लोग बड़े लोग क्या करेंगे, नया वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कौन सा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, 2, 2, 4, 6, 10 हो गए, और इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s, ओके देखते हैं, 1s2s 2p, 3s 3p 3c 4s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2, 2, 4, 6, 10, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p में मतलब x, y, z, 3 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6, कितने हैं यहाँ पे, 6, तो ये तो स्टेबल है। इसकी बात करें 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, आखिरी जो पी है यहाँ पे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो ये भी हम लोगों का स्टेबल है। तो हम लोगों के जो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं ऑक्टेट रूल अचीव करने के बाद, बट जो रियल रीज़न है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का जो रियल रीज़न है वो ऐसा नहीं है, रियल रीज़न थोड़ा हटके है, क्या है वो, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब आप बोलोगे एनर्जी लो करके कैसे कोई स्टेबल रह सकता है, तो इसका एग्जांपल मैंने दिया था कि रीसस वगैरह में खाना खाने के बाद हम लोग बहुत ही मारधाड़ करने लगते हैं, बट रीसस के पहले हम लोग एकदम स्टेबल रहते हैं, बेंच पे बैठे रहते हैं एकदम थके हारे, बट एक बार रीसस हुई, वड़ा पाव खाया, पानी पिया और फिर शुरू हो जाते है ना। तो एक बार हमारी पोटेंशियल एनर्जी जब लो हो जाती है तो उसके बाद हम स्टेबल हो जाते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतने ही ज़्यादा हम स्टेबल होंगे, ठीक है। तो एक बार जब हमारा रिसर्च वगैरह होता है तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है, बट जब मार पड़े टीचर से तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है और हम स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है क्लास में कि आज आपका दोस्त नहीं आया है, वरना आप उससे हमेशा बातें करते थे, तो आज आपकी कंडीशन क्या रहेगी, दिमाग में हलचल मची रहेगी, यार कल ये वाला क्रिकेट मैच हुआ उससे मैं आज बताता, पर वो तो आज छुट्टी पे है, घर पे टीवी देख रहा है, तो आपके दिमाग में हलचल मची रहती है, आपकी एनर्जी हाई रहती है, बट जब वो रहता है तो आप लोगों की एनर्जी लो रहती है, तो आप स्टेबल हो जाते हो। तो रियल रीज़न यही है कि जब दो एटम्स मिलते हैं तो एनर्जी उनकी कम हो जाती है, एनर्जी उनकी रिलीज हो जाती है, जिसके वजह से वो हो जाते हैं स्टेबल, ठीक है, यही है वो रियल रीज़न। समझ में आई ये चीज़, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में जानते हैं। चलिए तो सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई एटम ए है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई एटम बी है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप मुझे बताओ ये इन दोनों एटम के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो आपके पास चार ऑप्शन है, अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन ही होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होगा, या नन ऑफ दीज, बताओ क्या होगा यहाँ पे, बोलो, आपका जवाब होगा रिपल्शन होगा, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे दोनों जगह नेगेटिव चार्ज है
तो रिपल्शन तो होगा ही है ना, बट आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस न्यूट्रल नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं न्यू, न्यू मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस भी होगा न्यूट्रल, ऐसा नहीं होता है भाई, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें ए और बी के, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड बी और इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों के बीच में हो रहा है रिपल्शन, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी की बात करें, और न्यूक्लियस ऑफ बी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए की बात करें, तो इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन, ठीक है, इनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जी हाई होगी। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहां पे आकर इन लोग स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जहां पे आके दोनों स्टेबल हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट जितना रिपल्शन फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वहां पे कंडीशन हो जाएगी इक्विलिब्रियम। और जब वो जो लेंथ होती है, उसी लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, जिस लेंथ पर आकर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बराबर हो जाएं, रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों बराबर हो जाएं, इनकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट हो जाए, उस लेंथ को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब इसको और डीप में हम सीखेंगे जीओसी जब पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चल के, ठीक है, अभी तो 14वां चैप्टर है, काफ़ी टाइम है, अभी तो 5वां चल रहे, 5वां चलने लगा यार, काफ़ी तेज भाग रहे हम लोग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। समझ में आया? तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए लिखेगा कोई भी, हर कोई एफ ओ ए लिखता है तो बुरा मत मानना, द एफ ओ ए बिटवीन टू एटम्स इज मोर देन रिपल्सन फोर्स, ठीक है, दैट्स वाई दे कम क्लोजर एंड देन इफ दे कम मोर क्लोजर रिपल्शन विल स्टार्ट, ठीक है, रिपल्शन विल स्टार्ट, मतलब शुरुआत में तो ये अपने पास इसको बुलाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को बुलाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव न्यूक्लियस को बुलाएगा, शुरुआत में तो बुलाएगा, वही जो ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था वही थोड़ा लाइन में लिख दिया, कॉपी कर लो, ठीक है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब बोलेगा भाई तू अब मेरे पास मत आ, रिपल्शन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे रिपल्शन जस्ट शुरू होने वाला रहता है, अट्रैक्शन जस्ट खत्म होने वाला रहता है, उसी पॉइंट को, उसी टाइम जो दूरी होती है दो एटम के बीच की, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर हुआ? दो एटम जो न्यूक्लियस है दोनों का वो रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन है जो दोनों का वो रिपल करेगा, बट एक का न्यूक्लियस एक का इलेक्ट्रॉन, एक का न्यूक्लियस एक का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस भी तो अट्रैक्ट करेगा, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब वो केस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स था उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ देखें, तो ये कुछ इस तरीके का होता है ग्राफ, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बनेगा अभी, और टेढ़ी गई लाइन देखो, ऐसा हम लोगों का ग्राफ बनता है जहाँ पे वाई एक्सिस पर है हम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पर है हम लोगों का आर। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। यहाँ पे आर जो हमारा वो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे हम लोगों की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है उस पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस की जो आर की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आर नॉट, और आर नॉट ही होता है हमारा बॉन्ड लेंथ। अब ग्राफिकली भी समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे सबसे कम होगी, आप बोलोगे कैसे, अरे ऊपर पॉजिटिव है नीचे माइनस है तो यहीं पे तो सबसे कम होगी। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी उस पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा दो एटम के बीच का उसको हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों का जो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जो होता है वो होता है जीरो। आप बोलोगे इन्फिनिटी क्या मतलब, दो एटम मतलब एक एटम चला जाए मार्स पे और एक एटम रह जाए अर्थ पे, ऐसा कुछ बोल रहे हो? नहीं। एटम कैसा होता है? और छोटा, बहुत छोटा। तो उस छोटे से एटम के लिए
एक सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर या एक मीटर जो डिस्टेंस है वो ही उसके लिए इन्फिनिटी होगी। आप एक कदम चलोगे वो एक कदम उसके लिए इन्फिनिटी होगा। एक चींटी के लिए यहाँ से लेके एक किलोमीटर तक के डिस्टेंस एक चींटी के लिए इन्फिनिटी होगी, सांस फूल जाएगी उसकी वहाँ पहुँचते तक, ठीक है। तो वैसे ही जो एटम होता है उनके लिए इन्फिनिटी एक मीटर, दस सेंटीमीटर ऐसे ही होता है, ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो जब वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा मतलब वो आज़ाद हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन होगा ही नहीं। अट्रैक्शन रिपल्शन होगा ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही तो रहेगी, है ना। जैसे हमारे पास ये दो एटम थे, इसको समझ लो क्लोरीन है, इसको समझ लो सोडियम है, इनके बीच में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट ये मैंने निकाला, इसको भेज दिया इन्फिनिटी पे, तो गया तू 10 मीटर 20 मीटर दूर गया, जाना मत। तो अगर ऐसा हुआ तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि ना तब इनके बीच में अट्रैक्शन रह गया, ना तब रिपल्शन रह गया, ठीक है। तो ये जो आर नॉट है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड लेंथ, और आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ये हमारा ग्राफ था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम का, बहुत ही फेमस ग्राफ है, ठीक है। हर बुक में आपको ये ग्राफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर है वहाँ से लेकर डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी बातें आयोनिक बॉन्ड की, थोड़ी बहुत कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों, अट्रैक्शन कैसे होता है, रिपल्शन कैसे होता है। अब आयोनिक बॉन्ड को थोड़ा सा डीप में जानते हैं, चलिए। तो अब डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर आयोनिक बॉन्ड का ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कभी कभी टीचर मतलब ऐसा थोड़ा सा स्मार्टनेस के लिए बोलते हैं, किसी को पता है कि आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है तो बोल देना धीरे से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, टीचर भी शॉक हो जाएंगे कहाँ से पढ़ रहा है बंदा, पता लगाओ। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो आप बोलोगे मेटल मेटल के बीच में नहीं बनता है क्या? अरे उसको तो मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल, अरे क्या फालतू बात कर रहे हो। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग नहीं होती है, इसमें सीधा ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आप बोलोगे खुद यही कर रहे हो, अभी तो हमें बोले ऐसा नहीं करना है, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, बट अभी आप रोने लगोगे यार समझ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर रहा हूँ ना, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जो क्लोरीन होगा उसके ऊपर वो एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन कर लेगा और इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और स्टेबल होने के बाद इनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि बॉन्ड बन जाता है। 287 था, अभी 288 बन गया, और इसका 281 था, अभी 28 रह गया। तो जब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, उसके बाद इनके बीच में टीम अप हो जाता है। जैसे आप फ्री फायर में टीम अप करते हो ना, टीम अप कैसे करते हो, ग्लू वॉल दे देते हो, मेडिकेट दे देते हो, फालतू फालतू बातें जो करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों में टीम अप हो जाता है। और जो वही टीम अप है उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा अलग अंदाज में जाना जाता है, इन दोनों के बीच में जो टीम अप होता है उस अट्रैक्शन को यहाँ पे अलग अंदाज में जाना जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब मतलब पब्लिक हिल जाती है, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले समझ लेना चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर प्लस आया इसके ऊपर माइनस आया, तो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम दिखाते हैं K Q1 Q2 / R², ये याद रखना, मतलब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं ये 10वें चैप्टर में, बट टेंशन मत लो अभी के लिए इसको याद रखो, ठीक है। तो सोडियम के ऊपर जो प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन के ऊपर जो माइनस चार्ज होता है, उनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसका इक्वेशन ये होता है, जैसे ग्रेविटेशन था ना सेम वैसा इक्वेशन, बस यहाँ पे क्या रहेगा कि चार्ज का जो चार्ज है, सोडियम का जो चार्ज है प्लस, क्लोरीन का चार्ज माइनस, तो विथ चार्ज यहाँ पे रखते हैं। ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्शन होता था, यहाँ पे रिपल्शन भी हो सकता है, तो ये सारी थोड़ी बहुत डिफरेंसेज हैं, खैर जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा फिजिक्स में सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरी बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो इसका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है, इट हैज़ नो डायरेक्शन एंड नो शेप, कोई शेप भी नहीं होता है इसका, ठीक है। आप बोलोगे कैसा शेप, अरे कोवेलेंट बॉन्ड जब मैं अभी आगे आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन शेप वगैरह भी चीज़ें रहती हैं, बट इसके कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई कैसा होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दोनों के बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम बोलते हैं वो एक बॉन्ड बन चुका है, जबकि वो बॉन्ड रहता नहीं है। देखो इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है,
और आपका मतलब बचपन से आप उसके साथ खेलते हो, उसके साथ पढ़ते हो, उसके साथ मतलब सारी चीज़ें आप उसके साथ करते हो, एकदम आपका एकदम अच्छा वाला फ्रेंड है, कभी आपको उसने धोखा नहीं दिया है, ठीक है? तो आपका वो एकदम अच्छा वाला फ्रेंड है, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलेंगे अरे लोग एकदम भाई हैं, भाई बोल रहे हैं उन लोग, मतलब उन लोग ऐसा समझ रहे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन वाला बॉन्ड है, जबकि वो भाई नहीं है, वो है दोस्ती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है वहाँ पे, बट लोग समझ रहे हैं आयोनिक बॉन्ड बन गया है। वैसे इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि हमें लगता है बॉन्ड बन चुका है, जबकि वो बॉन्ड नहीं रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहता है। क्लियर हो एग्जाम्पल? चलो आगे बढ़ते, एग्जाम्पल था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो भी आप लोग समझ जाते है ना, स्मार्ट हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते। चलिए, तो अभी आपके मन में ये भी डाउट आया होगा कि ये सोडियम था, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और बन गया Na+, उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा लिखना है, और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया, तो फिर इनके बीच में फिर बॉन्ड क्यों बना? ये सारी चीज़ें होने के बाद ये क्लोरीन इससे सोडियम से जुड़ा क्यों? ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के शेयर होने के बाद इन लोग गैसियस स्टेट में बनते हैं, ठीक है, और गैसियस स्टेट में इन लोग ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, जिसके वजह से इन लोग सॉलिड स्टेट में NaCl बन जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, और दूसरी बात ये आती है कि आयोनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों होता है? स्ट्रांग इसीलिए होता है क्योंकि उनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इक्वेशन का मैंने इक्वेशन बताया, अट्रैक्शन का इक्वेशन बताया, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K तो कांस्टेंट है हटा दो, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के, डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम, डिस्टेंस जितना कम फोर्स उतना ज़्यादा, चार्ज जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा, चार्ज जितना कम फोर्स उतना कम, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी की। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, स्कोर ऑफ करता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? इलेक्ट्रोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं या मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड या बॉन्ड, क्या बोले? आयोनिक बॉन्ड ही बोलते थे इसको। हमेशा हम पॉजिटिव मिलेंगे, ऑलवेज टेक पॉजिटिव, मतलब कभी कभी मतलब ऐसा हमारे अंदर गलत फहमी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन गया है तो मतलब उसको नेगेटिव मिलना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन सेम हो सकता है क्या? देखो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो दोनों एक ही बात है, हमेशा इसको पॉजिटिव लेना आप लोग। तो जैसे कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी आपको याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ग्रुप वन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1, ठीक है। ग्रुप वन के एलिमेंट बोले तो हलीना के RBCs फरार, बट हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। ग्रुप टू की बात करें तो ग्रुप टू में है बेचारे मंगल का शनिवार वारा, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। ग्रुप थ्री वरी यहाँ पे नहीं आते, ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप 12 तक वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, ठीक है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम नहीं होती है, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल रहते हैं। बट ग्रुप टू से लेके यहाँ, बट ग्रुप 13, ग्रुप 1 इन सब की फिक्स रहती है, ठीक है। इसको ग्रुप 3 से भी लिख सकते हो, मतलब ग्रुप 2 से ग्रुप 12 के बीच वाले, उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ग्रुप 13 बोले तो कौन था? ओके, यहाँ पे क्या है, बाल गया इंसान टकला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 3, ठीक है। ग्रुप 15 की बात करें तो, ठीक है, तो ग्रुप 15 की बात करें तो यहाँ पे ना पैसा असली सब भिखारी, तो इसका भी होता है 3। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी है क्या भाई, वैलेंसी देख लो ना, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, वही चीज़ है ये, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 15 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ग्रुप 15 के 15 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 3 चाहिए ना, तभी तो 18 हो जाएगा स्टेबल। 13 है तो 3 चाहिए, 16 हो जाएगा स्टेबल, है ना, या 3 दे देगा, 3 दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा। और वैसे ग्रुप 2 का 2, ठीक है। बाकी ग्रुप 14 वाले तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सो वी कैन नॉट इंक्लूड देम। ओके, तो वहाँ पे ज़्यादा डीप में हम लोगों को नहीं जाना है, बट ग्रुप 14 को हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। ग्रुप 16 की बात करें तो यहाँ पे है ओ सचिन सीन इन टेम्पो, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2।
ग्रुप 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे है 1, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इन लोग दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी है जो कि एस सेम एज वैलेंसी है, ज़्यादा इसको डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कर लेना, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है, बोर्ड में आएगा, नीट वगैरह में एक्सपेक्ट मत करना, इतने बुरे दिन उनके नहीं आए हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं और सोच लेते हैं थोड़ा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। चलिए तो थोड़ा सा एनर्जी वगैरह के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सी एनर्जीज होती है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई मेटल है M, ठीक है, और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये बन गया M प्लस। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको डीप में पढ़ाऊँगा, कौन से चैप्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, 7th चैप्टर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें मैं आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें एकदम डीप में पढ़ाऊँगा, उसकी टेंशन आप मत लो। फिलहाल समझ लो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग आज़ाद करते हैं तो वहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है एनर्जी, एनर्जी यहाँ पे होती है एब्जॉर्ब, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब। दूसरा हमारा नॉन मेटल है कोई, अब नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा NM, ठीक है, इसने किया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और बन गया NM माइनस। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। अब इसके बाद जो नॉन मेटल है और मेटल प्लस है, अब उसके बाद जब नॉन मेटल और मेटल मिलेंगे, ठीक है, नॉन मेटल माइनस प्लस मेटल का प्लस जब मिलेंगे तो यहाँ पे कोई भी मेटल बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड में बनेगा। तो जब दो, जैसे Na था, Na से Na प्लस बना तो वहाँ पे हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन था, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लिख लो, मैं बताना नहीं चाहता था बट बताना पड़ ही जाता है, रोक नहीं पाता हूँ खुद को, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की चाहत, ठीक है। और उसके बाद जब क्लोरीन और सोडियम बने, क्लोरीन और सोडियम रिएक्ट हुए, मतलब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट हुए, तो बना NaCl, रिलेट कर पा रहे हो ना, क्या था यहाँ पे भाई, सोडियम था, सोडियम बना प्लस में, लूज किया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन था, क्लोरीन ने लिया इलेक्ट्रॉन, बना क्लोरीन माइनस, फिर क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, ये दोनों रिएक्ट हुए, रिएक्ट करके बना दिए NaCl, किस में भाई, सॉलिड में, वही है बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलेंगे लैटिस एनर्जी, और यही है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसी के बारे में आपको सोचना है, लैटिस एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, आयोनिक रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो उसको बोलते हैं, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बातें खत्म होती है, डेफिनेशन लिखना चाहो लिख दो, ऑन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड द एनर्जी रिलीज्ड, किसी भी कंपाउंड का जब वन मोल फॉर्म होता है तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी, ठीक है। चलो तो ये हो गया लैटिस एनर्जी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो चलिए तो यहाँ पे एक छोटा मोटा सवाल आ जाता है कभी कभी नीट जेई में, दैट इज विच इज मोर आयोनिक, आपसे कभी कभी कोई पूछ लेगा मतलब क्वेश्चन में कि इसमें से दिया हुआ कौन सा सबसे ज़्यादा आयोनिक है, चार ऑप्शन रहेंगे और ग्रेटर में उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना रहेगा, बहुत पॉपुलर है ऐसे क्वेश्चन, पांचवें चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये तीन चैप्टर ऐसे जिससे हर साल क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे में अरेंज करना, अभी रिसेंटली बहुत इजी क्वेश्चन आया था, खैर ये इजी तो नहीं होता है। तो आपको जब ऐसा कोई बोले आयोनिक बोले तो मतलब मेटल और नॉन मेटल रहेगा उसमें, ठीक है। तो जब आपको बोले कौन ज़्यादा आयोनिक है तो ये आपको कैसे पता करना है, यहाँ पे आप लोग देखोगे इनका मेटेलिक करेक्टर या नॉन मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, मेटेलिक करेक्टर जिसका ज़्यादा रहेगा वो, और नॉन मेटेलिक करेक्टर
ज्यादा रहेगा, मतलब दोनों कैरेक्टर अगर ज्यादा रहेंगे तो वो ज्यादा आयोनिक रहेगा, दोनों कैरेक्टर कम रहेंगे कम आयोनिक रहेगा। अब आपको याद रहना चाहिए कि टेंथ में आपको बताया गया था कि मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है, ठीक है। सपोज इधर हमारे पास कोई ग्रुप है, पहले ही ग्रुप है तीना के आरबीसी इस फरार, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो नीचे आते समय जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, और फ्लोरीन क्लोरीन ये नॉन मेटल, ब्रोमीन आयोडीन, नीचे आते समय जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो घटता है। इतनी बातें क्लियर हैं आपको? मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते समय बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते समय घटता है। ग्रुप में नीचे आते समय नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अब सीधी बात ना, एक याद कर लो, मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते समय बढ़ता है मतलब कुछ तो घटता होगा, क्या घटता होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना, हुई ना बात। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे आते समय बढ़ता है तो कुछ तो घटता होगा ना, क्या घटता होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, जैसे मेरे नोट्स में कुछ क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो ये मैं वही बता रहा था कि मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा नॉन मेटेलिक, तो जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड आयोनिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दो क्वेश्चन दे देता हूँ, NaF, NaBr, NaCl, NaI। आप इसको अरेंज करो आयोनिक कैरेक्टर में, ठीक है। कौन ज़्यादा आयोनिक है उस ऑर्डर में आप इसको अरेंज करो। कोई भी चार ऑप्शन दे देगा, 4, 3, 2, 1 बड़े हैं छोटे हैं, 4, 3 से बड़ा है, 2, 1 से बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। तो आप देखोगे क्या, देखो सोडियम 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 सेम है, मतलब हमें अनायन को देखना होगा, नॉन मेटल को देखना होगा, फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन। तो फ्लोरीन पहले है, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे कम होता जाएगा। तो सबसे पहले तो NaF आएगा, फिर Cl है, मतलब इसके बाद NaCl आएगा, फिर इसके बाद NaBr आएगा, फिर इसके बाद NaI आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl। अब यहाँ पे आप लोगों का एनायन सेम है, नॉन मेटल सेम है, तो यहाँ पे मेटल देखो आप, Li है, फिर Na है, फिर K है, फिर Rb है, देखो सीधा सीधा मिल गया। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ता है, मतलब जो सबसे नीचे होगा उसके पास सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, और सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो वो सबसे ज़्यादा आयोनिक भी होगा। तो सबसे नीचे Rb, इसके पास सबसे ज़्यादा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, समझ गए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले आप कर लेना। आप बोलोगे इतना ईजी, ये तो मैं कर ही लूँगा, नहीं, यही क्वेश्चन मैं आपसे एक महीने बाद पूछूंगा ना, आप भूल जाओगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। तो वही है, मतलब इजी लगता है पढ़ते टाइम, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बट तभी इजी होते हैं जब उस कंसेप्ट को हम डिफरेंट सेपरेटली पढ़ते हैं। जब आप एक साथ सारे कंसेप्ट को रिवाइज करके पूरी बुक याद करके जाते हो ना, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, वहीं पर एग्जाम हार्ड हो जाता है। एग्जाम हार्ड होता नहीं है, बट हम उन सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हम, ठीक है, इसके वजह से डिफिकल्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ी सी देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं आयोनिक कंपाउंड की। ये सब बोर्ड के लिए, बोर्ड में आपको 1-2 मार्क 3 मार्क का आ सकता है, 2 मार्क या 3 मार्क का आ सकता है आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ लिखने। तो आयोनिक कंपाउंड का जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है, फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड होता है, और सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है, ठीक है। और दूसरा तो आप लोग जानते ही हो, बचपन से पढ़े हो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, अरे स्ट्रांग है, फोर्स काफ़ी इनके अंदर स्ट्रांग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब इन लोग आसानी से टूटेंगे नहीं, आसानी से टूटेंगे नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना ही है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या है, ये लोग बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आप इनको रखोगे तो बैड कंडक्टर होंगे, बट कंडीशन है मॉल्टेन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में इन लोग गुड कंडक्टर हो जाते हैं। एक्वस स्टेट बोले तो विथ वाटर, ठीक है, एक्वस स्टेट बोले तो विथ वाटर। अब ये बैड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये अपने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बिजी रहते हैं, ये दूसरे का इलेक्ट्रिसिटी क्या कंडक्ट करेंगे, है ना। तो इसके वजह से इनके अंदर जो बॉन्ड होता है काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, जिसके वजह से वो मूव नहीं कर पाता है, और जब मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इनके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं थे, तो यहाँ पे
कंडक्टर्स ये अच्छे नहीं होते हैं, बट अगर इसमें आप वाटर डाल दो तो वाटर क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी रिड्यूस कर देता है। कितना रिड्यूस कर देता है वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक 81 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। ठीक है, 81 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस कर देता है वाटर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का काम होगा तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। बाकी मॉल्टेन स्टेट बोले तो मॉल्टेन स्टेट मतलब कि प्योर स्टेट। ठीक है, जैसे रेल की पटरियां पहले कैसी रहती है, जैसे मॉल्टेन लावा, यूट्यूब पे बहुत सारे लावा के एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई आईफोन फोड़ रहा है, ये फालतू चीज़ें, तो वो वहाँ से आप लोग समझ सकते हो मॉल्टेन स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर होता है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म बोले तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा हर एक सॉलिड का। ठीक है, अब ये आपको ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट में 12वीं में, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वहाँ पे आप देखोगे किस तरीके से अलग अलग सॉलिड का अलग अलग स्टेट होता है, मॉलिक्यूल पर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और ये होते हैं आइसोमॉर्फ, मतलब ये शो करते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म बोले तो इनका जो लैटिस है वो 3D में सेम रहता है, सिमिलर लैटिस इन 3D। ठीक है, तो जब ये लोग लैटिस स्टेट में रहते हैं, लैटिस स्टेट मतलब जैसे आप लोग सॉल्ट जानते हो NaCl, तो जब आप पूरा सॉल्ट रखते हो तो उसमें एक NaCl तो होता नहीं है, करोड़ों NaCl होते हैं, तो करोड़ों NaCl का जो टोटल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं लैटिस। सॉलिड स्टेट आप पढ़ोगे तो लैटिस वगैरह आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लैटिस इनका कैसा रहता है, मतलब ऐसा बहुत सारे। ठीक है, तो जो मतलब इनका शेप रहता है, शेप क्या ही बोले, मतलब इस तरीके का कुछ इनका शेप होता है, तो इसमें कई सारे NA, कई सारे CL, बहुत सारे रहते हैं, तो बहुत सारे NaCl को बोलते हैं लैटिस। तो इनका जो लैटिस रहता है वो 3D में सिमिलर रहता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहता है वो भी इन लोगों का सिमिलर होता है। जैसे आप लोग याद रखने को याद रख सकते हो कि NaCl और MgCl2 का जो लैटिस है वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये सेम आइसोमॉर्फ हैं, बट जो हम लोगों के NaCl और KCl है इन लोग आइसोमॉर्फ नहीं है, नॉट आइसोमॉर्फ। ठीक है, ये आइसोमॉर्फ हैं बट ये आइसोमॉर्फ नहीं है। ये कैसे डिपेंड करेगा, ये लैटिस पर डिपेंड करेगा, इनके स्ट्रक्चर पे। तो ये आप लोग अवॉइड कर सकते हो, पांचवा पॉइंट आप लोग अवॉइड कर सकते हो, बट ये चार पॉइंट याद रखना, इससे ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देख लेते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, रिएक्शन कैसा होता है आयोनिक कंपाउंड में वो भी मैं लिख देता हूँ। तो आयोनिक कंपाउंड में कौन सा रिएक्शन होता है, टाइप ऑफ रिएक्शन इज आयोनिक रिएक्शन, ये बातें हमने की हैं आपसे। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन और लैटिस एनर्जी को थोड़ा सा हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं और फिर सीखते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल आज का लास्ट टॉपिक है और फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी कैसे पहचाने, किस में ज़्यादा है किस में कम है वो देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही दिन हो गया था, लंबा वीडियो बनाया, आज बन गया खुश तो बहुत हो गया आज तुम। तो लैटिस, यहाँ पे लैटिस एनर्जी जो होती है, व्हेनेवर एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्स, जब भी एक आयोनिक कंपाउंड बनता है इट रिलीजेज एनर्जी, मारकर भी वाट लगा रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म, रिलीजेज एनर्जी विच इज नोन एज लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो जब भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है तो वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, या फिर एक मोल कंपाउंड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, या उसी को थोड़ा घुमा के कैसे बोल सकते हैं, द इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सब डेफिनेशंस हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू ब्रेक वन मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही होती है लैटिस एनर्जी। आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे एक मोल कंपाउंड बनने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही होती है लैटिस एनर्जी, तो दोनों बात एक ही है। देखो, जब भी कंपाउंड बना तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ वो हुआ लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब इस कंपाउंड को दोबारा से तोड़ना है
तो जितना एनर्जी इसने रिलीज किया था उतना एनर्जी इसको दोबारा से देना होगा, तो दोनों एक ही बात है, दोनों ही हम लोगों का लैटिस एनर्जी है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बॉर्न हेवर साइकिल। चलिए तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है, बॉर्न हेवर साइकिल। ठीक है, बॉर्न हेवर साइकिल। तो बॉर्न हेवर साइकिल यूज किस चीज में होता है? ये हम लोग यूज करते हैं लैटिस एनर्जी पता करने के लिए कि एक कंपाउंड बनने में कितना लैटिस एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, टू फाइंड लैटिस एनर्जी वी यूज बॉर्न हेवर साइकिल। ठीक है, लैटिस एनर्जी पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्न हेवर साइकिल। बॉर्न हेवर साइकिल में हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच एफ बोले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा एच एफ बोले तो हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों का इसको एग्जांपल से करेंगे, ऐसे थ्योरी में समझाऊंगा तो नहीं समझेगा आपको। इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन प्योर एंड स्टेबल स्टेट। ठीक है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो एक कंपाउंड जब बनता है तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज रिलीज होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज होगी उसको हम माइनस मिलेंगे, जो एनर्जी आप दोगे, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम प्लस मिलेंगे। इस बात को याद रखना, तभी समझेगा बॉर्न हेवर साइकिल। तो इसको एग्जांपल से करते हैं, मैंने बोला ये ऐसे ही नहीं समझेगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। चलो उससे पहले मैं रफ कर देता हूँ, मुझे लगता है जगह कम पड़ेगी। तो वही बच्चों वाला एग्जांपल NaCl का लेते हैं। तो Na+Cl2, उसमें क्या बोला है, इट्स नेचुरल स्टेट। ठीक है, तो नेचुरल स्टेट में ये NaCl2 रहता है, तो ये बन जाएगा NaCl। बैलेंस करना है तो यहाँ पे हाफ लगा दो। हाँ, अब हाफ भी लगा के हम लोग बैलेंस करेंगे, वो जमाना गया जब हम 2, 3, 1 ऐसा लगा के बैलेंस करते थे। तो ये देखो NaCl बनेगा कैसे, प्रोसेस कैसे होगा, समझते हैं। सबसे पहले Na है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनेगा Na+। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, मैंने पहले ही इसीलिए लिख के ये चीज़ आपको बता दी थी, वो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी 1। फिर इसके बाद Na ये किस में आया, ये आया सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अभी ये जाएगा गैसियस स्टेट में, तो Na+ गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में जाने में देखो सॉलिड से गैस में गया है, सॉलिड से गैस में जब जाता है तो मैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको पढ़ाऊंगा, वो होता है सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, वो सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब यहाँ पे आपका अगर तीनों टॉपिक साथ में चलता तो थोड़ा बेटर समझता, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली जब सॉलिड से आप गैस बना दो किसी चीज़ को तो वहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी का यूज़ होता है। इसका काम हो गया, सोडियम गैस में आ गया। ठीक है, ये पहले सॉलिड में था और ये अभी भी गैस में है, ये तो गैस में बनता ही है शुरू में, बाद में स्टेबल नहीं रहता इसलिए बाद में ये NaCl बन जाता है। खैर वो बात की बात है, छोड़ो। सबसे पहले हम लोग इसमें Cl लेकर आएंगे, जब हम इसको Cl बनाएंगे, Cl2 से जब हम लोग इसमें Cl बनाएंगे तो यहाँ पे हम देंगे डिसएसोसिएशन एनर्जी, डिसएसोसिएशन एनर्जी। और क्योंकि ये आधा Cl है तो ये हो जाएगा डिसएसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। और डिसएसोसिएशन एनर्जी क्योंकि हम इसको दे रहे हैं तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही होगी तो इसको लिखेंगे प्लस में। ठीक है, तो ये अब हमारा बन गया Cl। अब Cl से ये बन जाएगा Cl- किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। Cl- बना इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी की स्पेलिंग बोलो, आप में से कुछ लोग बोले मेरे को तो मैं बोल रहा हूँ एफिनिटी, बट श्योर नहीं हूँ। अब ये Na+ और Cl- जब मिल के NaCl बनाएंगे तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि होगी लैटिस एनर्जी। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको माइनस में लिखना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको प्लस में लिखना। ठीक है, तो डेल्टा एच एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी आप जोड़ोगे, उसके बाद डिसएसोसिएशन एनर्जी, तो डिसएसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर उसके बाद लास्ट में लैटिस एनर्जी। तो ये हो गई आपकी बॉर्न हेवर साइकिल।
इस तरीके से ये साइकिल चलती है। समझ में आया? अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन देगा आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, सब्लिमेशन एनर्जी इतनी है, डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी है, डेल्टा एच एफ इतनी है, तो बताओ लैटिस एनर्जी कितनी होगी। यही क्वेश्चन आपको सीधा सीधा आएगा। वैसे क्वेश्चन आप मुझसे तो उम्मीद मत रखना कि मैं करवाऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होंगे। अरे इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 100, बताओ एल ई कितना होगा, तो बता ले जाओगे ना आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चन आपको नीट जेई में नहीं दिखेंगे, हो सकता है बोर्ड में बाय मिस्टेक आ जाए, बट ऐसे क्वेश्चन का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, क्वेश्चंस तो अभी आगे से आएंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो एक और बॉर्नहेवर साइकिल हम लोग बनाते हैं। ये देखो मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में, सबसे पहले इसको गैसियस स्टेट में लाएंगे, तो मैग्नीशियम गैसियस बन गया, और जब सॉलिड से गैसियस में आप आओगे तो वहाँ पे जो एनर्जी आप देते हो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बाद बनेगा Mg+। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। बट क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से काम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब वो Mg के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक और बार इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, बन गया Mg+2 गैसियस। इसकी बात करते हैं, सबसे पहले इसको डिसोसिएट करेंगे ऑक्सीजन गैसियस में, तो डिसोसिएट करने में जो एनर्जी लगेगी वो होगी डिसोसिएशन एनर्जी। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती देंगे एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये हो जाएगा O-। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। एक इलेक्ट्रॉन से तो काम होगा नहीं, इसका दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा, तो O-, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ठीक है, फिर ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे 2MgO। 2MgO बनने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे आप डेल्टा एच एफ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, डेल्टा एच एफ। अब यहीं पे गलती आप करोगे, लिखो तो एक बार लिखो, प्लस और माइनस का ध्यान रखना, वहीं पे गलती करोगे, लिखो। चलिए तो डेल्टा एच एफ मैं लिखता हूँ, पहले सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, फिर डिसोसिएशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। अब यहाँ बताओ माइनस लिखो या प्लस लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 में माइनस लिखो या प्लस लिखो, बताओ। फिलहाल प्लस आएगा, मैं बता देता हूँ, माइनस लैटिस एनर्जी। ये हो गया इसका बॉर्नहेवर साइकिल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइनस प्लस में कन्फ्यूज़न आया होगा, तो इस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करता हूँ। प्लस कब रहता है, जब वो एलिमेंट खुशी खुशी वो काम करता हो। ऑक्सीजन को आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो नेगेटिव बन गया, खुश हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 में, बट जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुश नहीं होगा, उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, उसको ओ माइनस ही रहना है। तो जब आप एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वहाँ पे आपको अपनी तरफ से एनर्जी लगानी होगी, तो इसीलिए उसको प्लस में लिखेंगे। सब्लिमेशन एनर्जी आप अपनी तरफ से लगाते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी आप अपनी तरफ से लगाते हो, खुद से तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो निकालोगे आप इलेक्ट्रॉन। तो जब आप एनर्जी लगाते हो, वेन यू गिव एनर्जी जब आप दोगे तो उसको प्लस लोगे, एनर्जी जब वो खुद से रिलीज करेगा, वेन इट रिलीजेज एनर्जी, तब उसको आप माइनस मिलोगे। ठीक है, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तब उसको माइनस मिलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सब्लिमेशन एनर्जी आपने दी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपने दी, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 भी आपने ही दी थी, वो इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से थोड़ी ना लूज कर रहा था, और वैसे ही ये डिसोसिएशन एनर्जी आपने दी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने दी, सॉरी उसने खुद से किया एक इलेक्ट्रॉन लूज, उसने खुद से किया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन वो खुद से रिलीज नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको अपनी तरफ से भी एनर्जी देनी होगी, बाकी लैटिस एनर्जी तो वो खुद से रिलीज करेगा, ये हमेशा माइनस रहेगा। समझ में आया बॉर्नहेवर साइकिल कैसे होता है, सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3 भी आ जाए, ठीक है, बट वो बात की बात है, इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल बॉर्नहेवर साइकिल बनाना सीख लो, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी दो कंपाउंड दे देगा, बोलेगा Mg+O2 2MgO बना, तो बताओ कौन सी बॉर्नहेवर साइकिल सही है, कहीं माइनस कहीं प्लस, इसी का झोल रहेगा बस, बाकी सब सही, कहीं माइनस कहीं प्लस रहेगा, तो वहीं पे पहचान लेना कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो समझ गए ये कैसे होता है माइनस प्लस, जब आप एनर्जी दोगे तो प्लस, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो माइनस। ठीक है, और इसको एक तरीके से बोल सकते हो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये मैंने पहले ही लिखा था बट उसको ज़्यादा मैंने फोकस करके आपको नहीं बताया, उसको मैंने नॉर्मली लिख दिया था, तो हो सकता है आपको ना समझाओ, आपने उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। तो ये सब एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की और जो एनर्जी रिलीज की वो माइनस में। ठीक है, याद रखना एक बार इलेक्ट्रॉन वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरी बार वो इतना आसानी से नहीं करेगा, आपको खुद से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, इसीलिए दूसरी बार प्लस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि लैटिस एनर्जी कैसे पता करें किसके अंदर ज़्यादा है, तो कौन से एलिमेंट के पास कितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी है। अगर हमें ये पता करना है तो हमें पता करना होगा कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी, फैक्टर्स ऑन विच
लैटिस एनर्जी डिपेंड्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स। तो लैटिस एनर्जी आयोनिक कंपाउंड में होती है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जैसे अभी कोई बहुत ज़्यादा मारामारी कर रहा है, तो अगर आपको उसको छुड़ाना है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, तो वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी कंपाउंड बनने के बाद। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो मतलब इसका मतलब आप पहले ही स्टेबल थे, ठीक है। मतलब जैसे कि रिसेस में आप मार धाड़ कर रहे हो, मार धाड़ करने के बाद आपकी ज़्यादा एनर्जी जाएगी जब आप बाद में बैठोगे, बट अगर आप पहले से ही मतलब थोड़ी बहुत ऐसे बातें किए, थोड़ा बहुत घूमे, ऊपर नीचे किए और आके बैठ गए, तो ज़्यादा एनर्जी आपकी नहीं गई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस के। तो इसका मतलब जो फैक्टर्स हैं वो दो हैं, एक है चार्ज फैक्टर, ठीक है, और दूसरा है साइज फैक्टर। अब जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा साइज होगा उतना कम लैटिस एनर्जी होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिलहाल आप लोग ये याद रखो, जितना ज़्यादा फोर्स, सॉरी इसको लैटिस एनर्जी भी यहीं पे लिखते, जितना ज़्यादा डिस्टेंस जितना ज़्यादा साइज उतना कम लैटिस एनर्जी, जितना ज़्यादा फोर्स जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो NaF, MgF2 और AlF3। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ना मांगो अल्लाह से, ठीक है, तो ये हम लोगों का कोड वर्ड था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो NaF, MgF2, AlF3, तो ये Na, Mg, Al जो आपको दिख रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये लाइन से आते हैं, ठीक है। और आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में लाइन से जाने पे साइज घटती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं घटती है, बट नीचे आने में बहुत ज़्यादा साइज बढ़ती है। तो हमेशा डाउन द ग्रुप वाला लेना, मतलब यहाँ पे हमें चार्ज देखना होगा, बाकी उधर फ्लोरीन तो सेम है। इधर एक फ्लोरीन है तो +1 का चार्ज, इधर दो फ्लोरीन है तो +2 का, इधर तीन फ्लोरीन तो +3 का चार्ज है। तो इसके पास ज़्यादा चार्ज है, इसके पास, तो इसके पास लैटिस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा, और फिर इसके पास, फिर इसके पास। समझे आप कैसे पता करोगे? जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, क्या क्वेश्चन दे सकता हूँ, ओके, NaCl, KCl, RBCl, ठीक है। यहाँ पे देखोगे Cl, Cl, Cl सेम है, चार्ज की बात करें तो +1, +1, +1, चार्ज भी सेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे साइज, ठीक है, साइज कैसे देखोगे, Cl तो सेम है, तो Cl को मत देखो, NaKRB, इनका पीरियोडिक टेबल याद करो, तो हलीना के RB, नीचे जाते समय साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, RB का, तो इसका सबसे कम लैटिस एनर्जी, समझे, जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी सबसे कम। अरे खुद से समझो ना यार, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, क्या लैटिस बनेगा वहाँ पे? जब दोनों सेम साइज के होंगे तब ना मारामारी ज़्यादा होगी, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है तो क्या वहाँ पे मारामारी होगी, ठीक है, पेट दोगे सीधा पहली बार में। तो ये याद रखो, और क्वेश्चन कराता हूँ, टेंशन मत लो। तो याद रख लो ये चीज़, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, जितनी ज़्यादा साइज उतनी कम लैटिस एनर्जी, जितनी कम साइज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देता हूँ, खुद से सॉल्व करो। चलिए, तो तीन क्वेश्चन है और फिर एक इसके बाद सुपर स्टार क्वेश्चन। तो ये याद रखो, लैटिस एनर्जी जितना चार्ज ज़्यादा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी, जितना साइज ज़्यादा उतनी कम लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे देखो OOO सेम है, तो चार्ज देख लो, यहाँ पे दो सोडियम तो -2 का चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे +1 का और यहाँ पे 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका चार्ज है, सबसे ज़्यादा इसका है, फिर उसके बाद इसका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास सबसे ज़्यादा +3 का चार्ज है, फिर इसके पास है, फिर इसके पास है, तो चार्ज है जिसके पास सबसे ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। फिर यहाँ पे Li सेम है, ऑक्सीजन नियन में देख सकते हैं हम लोग, है ना, तो ऑक्सीजन और सॉरी नाइट्रोजन है, नियन नहीं। तो यहाँ पे 2 Li है, यहाँ पे 3 Li है, तो इसके पास ज़्यादा चार्ज है तो ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है, Li3N। फिर इसके बाद इसकी बात कर लो,
एन ए एफ एन ए सी एल एन ए बी आर, तो एन ए एन ए एन ए सेम है, एफ सी एल बी आर की बात करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये आप ग्रुप 17 में आते हैं। और नीचे जाते समय आपको मालूम है साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा, सबसे ज़्यादा साइज है बी आर का तो सबसे कम लैटिस एनर्जी बी आर की, फिर सी एल तो फिर सी एल, फिर एफ का सबसे कम साइज है तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी एफ का होगा। साइज अगर देखो एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है तो इनके बीच में लैटिस एनर्जी अच्छी नहीं बनती है, दोनों सेम साइज के तब बेस्ट लैटिस एनर्जी बनती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आखिरी वाला ले लेते हैं फिर लेक्चर एंड कर। चलिए तो क्वेश्चन है एन ए एफ एम जी सी एल टू, इसको आप खुद से भी बताना चाहोगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट क्वेश्चन है सुपर स्टार वाला। ठीक है, इसमें बताओ किसके पास सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी है, तो दोनों ही दोनों अलग अलग है, मतलब यहाँ पे हमें साइज भी देखना होगा चार्ज भी देखना होगा। अरे इसके पास प्लस वन का चार्ज है, इसके पास प्लस टू का चार्ज है, मतलब एम जी की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एन ए। एक मिनट, फ्लोरीन क्लोरीन ये तो ऐसा होता है ना, और नीचे आते समय साइज बढ़ता है, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका लैटिस एनर्जी कम होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, बट ये तो बोल रहा है एम जी का ज़्यादा होगा, तुम तो बोल रहे हो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, है ना। तो बाय चार्ज फैक्टर हमें ये पता चल रहा है कि एन ए कम है एम जी से, सॉरी एन ए एफ कम है, एन ए एफ की लैटिस एनर्जी कम है एम जी सी एल टू से, और बाय साइज फैक्टर हमें पता चल रहा है कि एफ एन ए एफ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम जी सी एल टू से। तो इन सच केसेस, ऐसा कन्फ्यूज़न जब भी हो जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सस्पेंस बनाता बट मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, चार्ज के साथ जाना है, चार्ज विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा डबल हो जा रहा है, अगर यहाँ पे प्लस वन है तो यहाँ पे प्लस टू हो जा रहा है, बट साइज कितनी होगी, साइज यहाँ पे अगर 100 होगी पिकोमीटर तो यहाँ पे 125 पिकोमीटर हो जाएगी, 150 हो जाएगी, 150 से ज़्यादा नहीं होता कभी, डेढ़ गुना से ज़्यादा साइज बढ़ता ही नहीं नीचे। तो ऐसे केसेस में चार्ज जो है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज जो चार्ज है वो सीधा सीधा डबल हो रहा है, एक से दो हो रहा है, दो से तीन होगा, तीन से चार होगा, सीधा सीधा एक यूनिट बढ़ रहा है, बट ये 100 से 200, 200 से 300 नहीं हो रहा है, वो 100 से 125, 110 इतना ही होता है। ठीक है, तो चार्ज विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एन ए एफ लैटिस एनर्जी विल बी स्मॉलर देन एम जी सी एल टू। चलो इन सबको नोट करो, मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में सीखेंगे फजान्स रूल। थैंक यू सो मच।